हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना नया लेसन जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका जो हेडिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जो प्राइमरी फंक्शन होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो होता है कि फूड की ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर, ठीक है। और इसकी फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए जो म्यूकस की लाइनिंग है और जो एसेसरी ऑर्गेनिक की फंक्शनिंग है, उनके बीच में इंटीग्रिटी जो है एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है। जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है, जो बॉडी वॉल है एलिमेंट्री कैनाल की, और जो ग्लैंड्स हैं, अगर वो प्रॉपरली फंक्शन करते हैं तभी जो है सिस्टम जो है वो मेंटेन रहता है और एक जो पर्सन की हेल्थ जो है वो बनी रहती है। प्राइमरी फंक्शन में हमने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इसके अलावा वो बॉडी को कंटिन्यूसली जो है वाटर की सप्लाई करना, इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट, और इन सब फंक्शनिंग के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इम्प्रोवाइज्ड होता है, ठीक है। अब इसमें फूड जो है इनटेक किया जाता है वन एंड से, और फिर वो बॉडी के जो डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट से होता हुआ जाता है, उसमें डाइजेशन भी हो जाती है उसकी, उसमें एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, और वाटर, इलेक्ट्रोलाइट सब जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फेसेस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन फूड को इनटेक करना, उसको डाइजेस्ट करना, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होना डाइजेस्टिव फूड का, जिसमें बॉडी को जो न्यूट्रिएंट चाहिए, जो इलेक्ट्रोलाइट चाहिए और जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। तो ये एक पिक्चर है जिसमें एक सिंपल सा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन दिखाया हुआ है, जैसे माउथ है, फिर सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं, फेरिंग्स हैं, इसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है और रेक्टम। ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन जो हैं वो कलेक्टिवली फंक्शन कर रहे हैं टू मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द बॉडी। डाइजेस्टिव सिस्टम के टू मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है उससे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल जो है एक कंप्लीट ट्यूब होती है सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलती है, जो कि लिप माउथ से शुरू होती है और एनस पर एंड होती है, और ये जो मेन पार्ट से कंसिस्ट होती है वो होती है, पहला माउथ है ओरल कैविटी, फिर उस माउथ के अंदर टीथ हैं जो कि ग्राइंडिंग ऑफ फूड का काम करते हैं, टंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो सर्व टू नीड फूड एंड मिक्स इट विद सलाइवा, फिर थ्रोट रीजन और फेरेंक्स रीजन आता है, इसोफेगस आता है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसमें डिफरेंट पार्ट होते हैं ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है जिसका पार्ट जो है सीकम है, जो कि क्लोज्ड एंड सैक होता है, इलियम के साथ जुड़ा हुआ होता है, असेंडिंग कलोन और ट्रांसवर्स कलोन और डिसेंडिंग कलोन, और लास्ट में जो है सिग्मोइड कलोन विच टर्मिनेट इन द रेक्टम, ठीक है। ये पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल के देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती हैं वो डाइजेस्टिव जूस प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो सलाइवरी ग्लैंड है, चाहे वो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, चाहे वो स्टमक की लाइनिंग है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है स्टमक की लाइनिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पेंक्रियाज है, लीवर है, और उसके साथ जो एडजक्ट्स होते हैं जैसे कि गाल ब्लैडर है, बाइल डक्ट है, ये सब जो है एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक जो है इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। अब है डेवलपमेंट कैसे होता है एलिमेंट्री कैनाल का। पूरी जो इंटायर जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, जिसको GIT या एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, वो एक सिंगल लॉन्ग ट्यूब से अराइज होती है, जिसको आर्केंटिरोन या एम्ब्रियोनिक गट बोल देते हैं। ये गट जो है वो क्रेनियल से कोडल एंड ऑफ द एम्ब्रियो में एक्सटेंड करती है। आर्केंट्रियोन जो है एक प्रिमिटिव डाइजेस्टिव कैविटी होती है एम्ब्रियो की, एट द गैस्ट्रुला स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन एनिमल्स के अंदर देखने को मिलती है। ये
मीजोडर्म एंडोडर्मल सेल की इन्वेजिनेशन से बनती है। ये ओपन होती है आउटसाइड में बाय ब्लास्टोपोर के द्वारा और फाइनली जो है वो गट कैविटी में डेवलप हो जाती है। आप यहाँ देखेंगे कि हमारा जाइगोट बनता है, जाइगोट में फिर क्लीवेज की डिवीजन होती है, जिसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था कि स्पाइरल क्लीवेज होती है, रेडियल क्लीवेज होती है। अगर वो स्पाइरल क्लीवेज होती हैं तो जो ब्लास्टोपोर, यहाँ देखिए गैस्ट्रुलेशन हो जाती है, और मीजोडर्म जो है वो अराइज होते हैं एट द बेस ऑफ ब्लास्टोपोर, और वो एक पूरी जो है गट बना लेते हैं, जिसमें माउथ जो है वो पहले बनता है, एनस जो है वो बाद में बनता है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है मीजोडर्म जो है की इन्वेजिनेशन जो है वो ब्लास्टोपोर से स्टार्ट होती है, जिसको प्रोटोस्टोम बोल देते हैं। सेकंड, जिनके अंदर रेडियल क्लीवेज होती है उनके अंदर जो मीजोडर्म होती है वो टिप से ब्लास्टोपोर से अराइज ना होकर उसकी ऑपोजिट एंड से जो है वो अराइज होती है, वो इन्वेजिनेट करके जो मीजोडर्म बना लेती है। तो जो ब्लास्टोपोर होता है वो एक एनस के एज ए एनस फंक्शन करता है, जो कि अब हम देख रहे हैं पहले बन रहा है। इसमें हमने देखा था माउथ जो है वो पहले बन रहा था, एनस जो है बाद में डेवलप हुआ। इसमें एनस पहले बना और माउथ जो है बाद में डेवलप हुआ, तो इसलिए उसको हम ड्यूट्रोस्टोम्स बोलते हैं। अब मेन जो हमारा एम्ब्रियो बनता है, जिसके अंदर ये ट्यूब अराइज होती है, जिसको आर्केंटिरोन एम्ब्रियोनिक गट बोलते हैं, उसके थ्री पार्ट्स होते हैं। पहला मिड गट होता है, मिड गट आर्केंटिरोन का वो पार्ट होता है जिसमें योक सैक जो है, आप देखेंगे ये योक सैक जो है वो जुड़ा हुआ होता है, तो ये वाला हिस्सा जो है ये मिड गट कहलाएगा। ठीक है, ये जब इसमें फर्दर डिफ्रेंशिएशन होती है फ्यूचर में डेवलपमेंट के दौरान, तो ये मिड गट रीजन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, डिस्टल हाफ ऑफ ड्यूडिनम, सीकम, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, असेंडिंग कलोन और मोस्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कलोन को बनाता है, उन हिस्सों में ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है। सेकंड जो है फोरगट, जो कि इस मिड गट का एंटीरियर पार्ट होता है, आगे का हिस्सा होता है, और ये फ्यूचर में इसको हम फोरगट बोल रहे हैं, जो कि मिडगट से एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है, और ये फ्यूचर में डिफरेंशिएट होगा ओरल कैविटी में, फेरिंग्स, लोवर्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ईसोफेगस, स्टमक, प्रॉक्सिमल हाफ ऑफ ड्यूडिनम, लीवर एंड पेंक्रियास और बाइलनरी प्रेटस। और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है मिडगट का, जो पोस्टीरियर एंड है वहां पर जो पार्ट है वो कहलाता है हाइंड गट। ये हाइंड गट जो है लेफ्ट पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कलोन, डिसेंडिंग कलोन, सिग्मोइड कलोन, रेक्टम, एनल कैनाल, एपिथीलियम ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, मोस्ट ऑफ द यूरेथ्रा जो है वो कंस्टिट्यूट करता है। तो ये एक आर्केंटिरोन से जो डिफरेंट पार्ट होते हैं गट के वो अराइज होते हैं, उनको मिड गट, फोर गट और हाइंड गट में डिवाइड करते हैं, और ये फर्दर डिफरेंशिएट होकर डिफरेंट पार्ट जो है ऑर्गन जो है वो बना लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो लाइट ब्लू कलर की आपको लाइनिंग दिख रही है दैट इज एक्टोडर्म, जो डार्क कलर आपको ये रेडिश कलर दिख रहा है दैट इज मीजोडर्म, और जो डार्क ब्लू कलर इनसाइड में आप देख सकते हैं ये वाला दिस इज द एंडोडर्म। अब आप देखिए, अब हम देखेंगे कैसे जो है वो डेवलपमेंट होती है, कैसे जो इमाइग्रेशन होती है लेयर्स की और डिफरेंट पार्ट जो है वो एलिमेंट्री कैनाल के बना। एपिथीलियम जो गट की है, ठीक है, जो जो भी एलिमेंट्री कैनाल है उसकी जो एपिथीलियम है उससे एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंडुलर सेल प्रेजेंट होते हैं ट्रैक्ट के अंदर, वो सभी एंडोडर्म से अराइज होते हैं। तो ध्यान रखना है एपिथीलियम और ग्लैंडुलर सेल ऑफ ग्लैंड्स ये एंडोडर्म से अराइज होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज हैं, मसल टिश्यूज हैं, ये सब मीजोडर्म से अराइज होते हैं, मीजोथीलियम से अराइज होते हैं, जो कि स्प्लैंचिक मीजोडर्म से बनती है। तो ये एक देखिए, ये न्यूरल ट्यूब है, ठीक है, ये डोर्सल एओर्टा है, ये हाइंड गट है, ठीक है, हाइंड गट है, और इसके यहाँ पर यानी कि ये पोस्टीरियर पार्ट है गट का, और इसके चारों तरफ ये बॉडी वॉल
की लेयर रहती है जो कि आप देखेंगे बाहर वाली सोमेटिक मेसोडर्म होती है और इनर साइड में स्प्लेंचिक मेसोडर्म होती है। ठीक है, ये जो हैंग कर रहा है इसमें ऑर्गन के साथ ही अटैचमेंट है, इसको डोर्सल मेसेंट्री बोलते हैं। और इसके ऑपोजिट साइड में भी इसी तरह की अटैचमेंट होती है, उसको वेंट्रल मेसेंट्री बोलते हैं, जो कि अडल्ट में डिसअपियर होनी शुरू हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि जो एपिथीलियम है एंड ग्लैंडुलर सेल है वो एंडोडर्म से अराइज हो रहे हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू है मसल टिश्यू है वो स्प्लेंचिक मेसोडर्म से अराइज होती हैं, और जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है वो न्यूरल क्रस्ट से जो है वो अराइज होता है। अब मूवमेंट देखिए कैसे होती है। एंटीरियर पार्ट जो है ओरल कैविटी का, ठीक है, उसके एक्टोडर्मल होता है वो, क्योंकि उसका जो मिड वेंट्रल इन्वेजिनेशन हो जाती है इस तरह से एक्टोडर्मल सेल जो है अंदर की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं, जिसके कारण जो एंटीरियर पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का वो एक्टोडर्मल होता है। देखिए वैसे अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या था, एक्टोडर्म थी, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, यहाँ पर हमने बताया था ये इनर लेयर जो होती है ये एंडोडर्म की होती है, ठीक है, और यहाँ पर मेसोडर्म और एक्टोडर्म होती है। तो एक्टोडर्मल सेल जो है वो अंदर की तरफ, देखिए हेड रीजन में अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं और ये फोरगट रीजन बना लेते हैं, इसको बोलते हैं स्टोमोडियम। ठीक है, इसी तरह पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो है जो कि एक्टोडर्म से लाइन होता है वो भी, क्यों, क्योंकि एक्टोडर्मल सेल जो है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाते हैं कोडल रीजन में, और इसको बोलते हैं प्रोक्टोडियम। ठीक है, तो ये मिडगट है, ये फोरगट है, ये हाइंडगट है। ये फोरगट रीजन के अंदर जो लेयर है एक्टोडर्मल इन्वेजिनेशन उसको स्टोमोडियम बोलते हैं, हाइंड रीजन के अंदर जो है प्रोक्टोडियम का नाम दिया जाता है। फिर आती मेसेंट्रीज। मेसेंट्रीज जो है वो आर्केरेंट्रोम का स्टमक से क्लोएका तक का जो पार्ट होता है वो बॉडी वॉल के साथ, डोर्सल बॉडी वॉल के साथ जुड़ा हुआ होता है ट्रंक रीजन में, और उसको हम डोर्सल मेसेंट्रीज बोलते हैं, और जो वेंट्रल बॉडी वॉल के साथ जुड़ा होता है उसको वेंट्रल मेसेंट्री बोलते हैं। अब देखिए ये डोर्सल पार्ट है, ये वेंट्रल पार्ट है, ठीक है, ये एम्ब्रियोनिक जो आर्केंटीरोन की लेयर है स्टमक और क्लोइका के बीच में, ये यहाँ पर आप देखिए ये वेंट्रल वॉल के साथ जुड़ी हुई है, इसको हम बोलते हैं वेंट्रल मेसेंट्री। ठीक है, और ऊपर से ये डोर्सल बॉडी वॉल के साथ जुड़ी हुई होती है, इसको बोलते हैं डोर्सल मेसेंट्री। तो दोनों तरह की मेसेंट्री जो है वो बॉडी वॉल की डोर्सल साइड में है या वेंट्रल साइड में है उसके साथ जुड़ी होती हैं। ये जो वेंट्रल मेसेंट्रीज होती हैं ये डिसअपियर हो जाती हैं विद एज, अडल्ट के अंदर ये डिसअपियर हो जाती हैं लीवर और यूरिनरी ब्लैडर को छोड़कर। बाकी जो डोर्सल मेसेंट्री होती हैं वो एज इट इज परसिस्ट करती हैं लाइफ टाइम में। इसमें से जो सोमेटिक मेसोडर्मल लेयर है ये वाली, ठीक है, ये पैराइटल वॉल बनाती है जो कि पैराइटल लेयर ऑफ पेरिटोनियम बनाएगी। जो स्प्लेंचिक मेसोडर्म लेयर होती हैं ये विसरल वॉल बनाती हैं जो कि विसरल पेरिटोनियम की लेयर, यानी कि यहाँ पर जो विसरल ऑर्गन है स्टमक है इंटेस्टाइन है उसको कवर करती है। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो ये वाला जो बॉडी वॉल को टच करता है, तो इसको जो बॉडी वॉल को टच करता है उसको हम बोलते हैं पैराइटल पेरिटोनियम, जो ऑर्गन को टच करता है उसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। तो आप यहाँ देख सकते हैं और बीच में ये कैविटी होती है जिसको पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं, ये पैराइटल पेरिटोनियम है जो बॉडी वॉल के साथ है, और जो ऑर्गन के चारों तरफ होता है दैट इज विसरल पेरिटोनियम। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि एलिमेंट्री कैनाल की डेवलपमेंट जो है वो कैसे हुई। नेक्स्ट जो है हम इसमें एलिमेंट्री कैनाल की जो हिस्टोलॉजी है उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।